कुछ यूट्यूबर्स के पास तो डिग्री भी नहीं है भाई। आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री है? आपने जर्नलिज्म की हुई है? कहता मैंने ला किया आपने है, ला मैथ्स के की वो नहीं मैं है डिग्री? है जर्नलिज्म में आ आपके पास गया। डिग्री है? दिखाओ डिग्री है तो, दिखाओ डिग्री है तो। आप दूसरों को टारगेट करो, फिर आप कहते हो मैं तो पॉजिटिविटी फैलाना चाह रहा हूँ, मैं तो पॉजिटिव बोल दूँ इंडिया और पाकिस्तान को लेके। भाई आप अपने ही यूट्यूबर्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करके बैठे हुए हो। आपने इंडिया वर्सेस कि अगर किसी ने डोनेशन करनी है तो कर दे, इंडिया का पेपाल तुम यूज कर रहे हो, तुम्हें तो फॉरेन फंडिंग हो रही है, वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा आया तभी उसमें से कुछ हिस्सा तुमने लोगों को दे दिया। क्या तुम अपने यूट्यूब की कमाई में से तुम लोगों को दे रहे अनम जी, उसकी यूट्यूब की भी कमाई इतनी ज्यादा है कि अगर उसमें से भी दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तकरीबन 40-50 लाख रुपए पाकिस्तानी मेरे ख्याल में। पाकिस्तानी यूट्यूबर आपस में लड़ने लगे, लड़ने क्यों लगे भाई? व्यूअर्स के लिए, व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, पैसों के लिए, क्या है पूरी कहानी? क्यों रियल एंटरटेनमेंट वाले के पीछे पड़े हुए हैं दूसरे भी यूट्यूबर, और क्या बता रहे हैं, सच है क्या झूठ है, कौन सही है कौन गलत है? चलिए बोला देखते था हैं। कि कुछ यूट्यूबर्स के पास तो डिग्री भी नहीं है। भाई आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री है? आपने जर्नलिज्म की हुई है? कहता मैंने ला किया आपने है, मैथ्स ला की के वो नहीं मैं है डिग्री? जर्नलिज्म है में आ आपके पास गया। डिग्री है? दिखाओ डिग्री है तो, दिखाओ डिग्री है तो। आप दूसरों को टारगेट करो, फिर आप कहते हो मैं तो पॉजिटिविटी फैलाना चाह रहा हूँ, मैं तो पॉजिटिव बोल दूँ इंडिया और पाकिस्तान को लेके। भाई आप अपने ही यूट्यूबर्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करके बैठे हुए हो। आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अपने ही यूट्यूबर में पैदा किया हुआ है। इंडिया पाकिस्तान वाला माहौल आप अपने ही यूट्यूबर में पैदा कर रहे हो। आप कौन सी पॉजिटिविटी वहां पर फैला रहे हो मुझे बताओ? अपने ही मुल्क के यूट्यूबर्स को हर हर चैनल पर आकर गंदा दिखाना, ये कौन सी पॉजिटिविटी है? आप तो अपने ही मुल्क के सिटीजन के साथ जो है वो सिंसियर नहीं हो। आप उनके साथ सिंसियर होगे? आप सिंसियर हो सकते हो उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने आप सही बात टारगेट की है करते हो, कि आप टारगेट करते हो। देखिए हम सारे एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं, हम सारे एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। हमारा कॉन्टेंट एक है, हमें इत्तेहाद होना चाहिए। आप यूनिटी ब्रेक कर रहे हो जब अपने ही यहाँ पर, तो फिर कौन सी पॉजिटिविटी? कहाँ गई पॉजिटिविटी? पॉजिटिविटी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। बात है। यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। निमरा ने कहा कि कश्मीर में जाके या बलोचिस्तान में सिंध में जाके जहाँ भी ये गया था, इसने कुछ चीजें तकसीम की। बहुत अच्छी बात है भाई, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम चीजें तकसीम कर रहे हो, अच्छी बात है, लोग तुम्हारे पर्पज से खा लेंगे, चलो ठीक है मान लिया। अच्छा तुम चीजें तकसीम कर रहे हो, वो पैसा कहाँ से आया? क्या वो तुम्हारा अपना यूट्यूब का पैसा था? क्या वो तुम्हारी मेहनत की वीडियोज का पैसा था? अब तुम्हारे ही चैनल पर, तुम्हारे ही बकौल, तुम्हारे ही मुंह से, तुम्हारे ही चैनल प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम्हारा ही नंबर लगा हुआ है कि अगर किसी ने डोनेशन करनी है तो कर दे। इंडिया का पेपाल तुम यूज कर रहे हो, तुम्हें तो फॉरेन फंडिंग हो रही है, वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा आया तभी उसमें से कुछ हिस्सा तुमने लोगों को दे दिया। क्या तुम अपने यूट्यूब की कमाई में से तुम लोगों को दे रहे हो? अनम जी, उसकी यूट्यूब की भी कमाई इतनी ज्यादा है कि अगर उसमें से भी दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तकरीबन 40-50 लाख रुपए पाकिस्तानी मेरे ख्याल में। और फिर आकर दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे बहुत इंसानियत की फिक्र है। तुम सिंध गए हो, तुमने हिंदुओं के लिए वहां पर मेरे पास की है। पैसे मैं आपको गैर बता मौजूद दूं, है अभी अपनी भी। कम्युनिटी भी बुरे हालात में है, मुस्लिम कम्युनिटी भी बुरे हालात में है। तुमने मुस्लिम को नहीं वहां पर कुछ क्यों नहीं दिया बताओ मुझे? सही बात है। बताओ और मेरे पास कम्युनिटी ऐसे लोग मौजूद हैं इंडिया से जिनके साथ मेरे कॉन्टेक्ट है, जिनके साथ मेरा बातचीत हुई है, उन्होंने सुहेब चौधरी को डॉलर्स फंड किए हैं। उन्होंने किए, उनके आगे भाई ने किए, उनके पता नहीं एक और बंदे ने किए, तीन बंदों ने एक घर से किए डॉलर्स फंड। अब मुझे आप बताएं ये कि कौन से आप नहीं, कल कल डॉलर को सुहेब चौधरी आपसे प्रूफ मांगता तो आप प्रूफ देंगी इस चीज का कि सुहेब चौधरी को फंडिंग हो रही है इंडिया बिल्कुल मैं से? दूंगी, बिल्कुल दूंगी। वो बंदा खुद मान लेगा, वो बंदे के मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं भाई, तो वो बंदा क्या झूठ बोलेगा? उसने भाई दिए हैं पैसे तो तभी बात हो इसका रही है ना। इसका और इसका रही इसका बात, मतलब ये है, आपके कहने का मतलब ये है कि आदित्य त्यागी जी ने जो इल्जाम लगाए हैं सुहेब चौधरी पे या आप बदली पे कि ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, इन्हें इंडिया के साथ या मोदी जी की तरक्की के साथ या इंडिया की तरक्की के साथ कोई तल्लुक नहीं है, तो ये इसका मतलब वो तो फिर अपनी बात में सच्ची मुझे लग रही है यहाँ पर, जिस तरह की आप सब बातें बता रही है कि ये सारा कुछ यहाँ देखिए पर हो रहा है, मुजफ्फर फंडिंग भी हो रही है। सर, देखिए अगर हम लोग, मैं कहती हूँ हम सब भी बहुत बेईमान हैं, बेवफा हैं, धोखेबाज हैं। मैं सबको कहती हूँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट जितने भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो कि इंडिया पाकिस्तान करे, सब एक जैसे, ठीक है? चले मान लिया, अब हमारे व्यूज देखें भाई, इतने डाउन हुए, इतने डाउन हुए। अब क्या हम भी कोई आबिदली पैदा कर लें? क्या अब हम भी कोई आबिदली तैयार कर लें? क्या अब हम भी यही करना शुरू कर दें, मोदी 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 मोदी, ताकि हमारी व्यूअरशिप ऊपर आ जाए? अब भाई मेरे चैनल पर देखें जाकर, कितने मिलियन व्यूज आए हैं स्टार्ट में। जब मैंने चैनल यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो ऐसे मिलियन व्यूज आए थे, अब मिलियन के अब 10,000 भी नहीं आ रहे। अब मैं क्या पहले वाली स्ट्रेटेजी यूज करना शुरू कर दूं? ये किस्मत है? अगर उस बंदे के कम पैसा, कम व्यूज आते हैं तो वो आबिदली के पास चला जाता है, हम क्या करें भाई? ये है सबूत। अब इसके अलावा आप तो भी आपको आप मुझे बदली लगता है को, कि आप देखें, आपके पास भी पैसे होंगे, आपने भी कमाई की हुई, आप भी आप बदली को तनख्वाह पे रख लें, उसने तनख्वाह पे रखा हुआ ना बदली को, तो आप भी रख लें आप बदली को तनख्वाह पे। मैं कहती हूँ शायद हम आबिद अली को अफोर्ड नहीं कर सकते,
क्योंकि हम लोग जितना जो काम कर रहे हैं हम बहुत सिंसियरिटी से कर रहे हैं। आपसे ज्यादा वो कमा रहा होगा, आपसे ज्यादा आप बदली कमा रहा होगा मेरे ख्याल में। सही बात है, मैं भी कहती हूँ शायद। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जब फर्स्ट विजिट वाला शुरू किया गया था तब सुहेब चौधरी ने एक वीडियो बनाई थी कि मुझे यूट्यूब की तरफ से इजाजत मिल गई है, मुझे यूट्यूब ने कह दिया कि तुम इंडिया की किसी भी गली में किसी भी मोहल्ले में जाकर वीडियो कर सकते हो। भाई तो मैं यूट्यूब ने स्पेशली इन्विटेशन देनी है, आओ इंडिया आओ, हम तुम्हें इंडिया में देखना चाहते हैं, हम तुम्हें इंडिया दिखाना चाहते हैं। यूट्यूब बायस है क्या? यूट्यूब पागल है क्या? यूट्यूब इंसान है क्या? ऊपर से तुम कह रहे हो ऊपर से तुम ये बोल रहे हो कि कुछ यूट्यूबर्स ने कॉपी किया है, मुझे तुम एक वीडियो दिखा दो जहां तुम्हारा ये आइडिया हो कि मैं वहां पर रैंडमली किसी से भी बात करूंगा, मैं वहां पर रैंडमली किसी भी चलते हुए शख्स को रोकूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या आप खुश हो क्या खुश नहीं हो, मुझे तुम एक वीडियो दिखा दो। आपने कॉन्वर्सेशन लाजमी की होगी, बट ये आइडिया हमारा था, तुम हर चीज में क्रेडिट लेकर साबित क्या करना चाहते हो कि सिर्फ मैं हूं अपने काम के साथ, सारे मेरी कॉपी करते हैं, सारे जो है वो मुझसे नीचे है, तुम्हें इस बात का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है? हमने तुम्हें एक दफा भी रिएक्ट नहीं किया, यहाँ आज हम जरूर तुम्हें रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि पानी जो है ना वो जब सर से इतना ऊपर आ जाए ना तो फिर रिएक्शन बनता है, रिएक्शन देना पड़ता है। फिर हमने कहाँ कहाँ टारगेट नहीं किया पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, इसने सलाम जद को टारगेट किया इंडायरेक्टली, इसने मुजम्मिल कुरैशी को टारगेट किया, इसने अनम को टारगेट किया, इसने कुछ पर्सनल कॉन्वर्सेशन में बहुत से यूट्यूबर्स को भी टारगेट किया। तो आप मुझे ये बताएं कि ये बंदा कहाँ से सिंसियर है फिर अपने वर्क के साथ, क्या क्या आपको ये सिंसियरिटी नजर आ रही है यहाँ पर कि आप अपने ही यूट्यूबर की लेग पुलिंग कर रहे हो, आप दिखा रहे हो मैं सुपीरियर हूँ, मेरा काम सबसे अच्छा है, मेरा काम सबसे जबरदस्त है, मैं बहुत रिसर्च वर्क पे काम करता हूँ। भाई जितना तुमने टारगेट किया ना हमें अपनी वीडियोस पे, तुम्हारी हिस्ट्री हम भी जानते हैं, तुम हम में से निकल के गए हो, तुम भी वहीं पर होते थे जहां पर हम होते थे, तुम भी हमारे साथ ही होते थे, हमने भी पहले वाला सुहेब चौधरी और अपना सुहेब चौधरी बहुत देखा है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि जी कोई भी देखिए हम इस काम को मेरे मुझे लेकर गया कि ना मुझे ना आपका इंटरव्यू चाहिए, इंटरव्यू देने के बाद मैंने बोला सही बोला, कहता हाँ मुझे इसी तरह की पढ़ी लिखी और रिसर्च बेस्ड जो है वो आंसर चाहिए था, रिसर्च बेस्ड जो है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था, ठीक है। अब तब ये एक्सेप्ट कर रहा है कि रिसर्च वर्क काम था, अब ये जो इसके व्यूज बढ़ गए हैं, अब इसको डॉलर्स आने लग गए हैं, तो अब ये तरह तरह के चैनल्स पर जाकर हर चैनल पर जाकर कहता है कि मुझसे ज्यादा रिसर्च वर्क तो कोई करता ही नहीं है, आपके जो व्यूअर्स है वो बहुत समझदार है, उनको भी पता है कि कौन रिसर्च वर्क करता है कौन नहीं करता। भाई तुम्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तुम अपने पास रखो, तुम हर किसी की इमेज क्यों डाउन कर रहे हो भाई, तुम होते कौन हो हर किसी पर सवाल उठाने वाले, कौन होते हो तुम? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने एक दफा रब्ते की कोशिश की थी जब मैं सिंध गया था, तो इन्होंने बोला था अपनी एक वीडियो में कि जो भी आकर मेरे साथ यहाँ पर काम करना चाहता है तो मैं उसको वेलकम बोलूंगा। तो मैं भी सिंध गया था, मैंने कहा चले मैं भी इनके साथ मिलकर वहाँ पर काम करूंगा, या मैंने इनको मैसेजेस किए तो इनकी टीम के कोई मेंबर थे उन्होंने रिप्लाई किया, तो मैंने बताया किस तरह मैं इनसे रब्ता करना चाह रहा हूँ, कह रहे जी आपका मैसेज उनको मिल जाएगा, लेकिन मेरा मैसेज भी दिया गया, इन्होंने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। यानी कि आपकी बात ठीक है कि ये यहाँ पर स्क्रीन के सामने जब कैमरे के सामने आते हैं तो ये बड़े ही होते हैं कि जी हम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, या हम इकट्ठे मिलकर आगे चलने की कोशिश करते हैं, या हम इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने की कोशिश कम होती है, तो मेरे ख्याल में अपने डॉलर को और अपनी अमाउंट को अपनी जेब को भरने की कोशिश इसमें ज़्यादा होती है। देखिए अगर मैं कोई एफर्ट कर रहा था, सिंध के अंदर जा रहा था, कुछ कर रहा था, तो मुझे अगर ये साथ अपने मिला लेते तो मेरे ख्याल में ये है कि हम बेहतर तरीके से उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं या मदद कर सकते हैं। मैं जितने जो का था मैं भी इनके साथ मिल जाता, लेकिन इन्होंने कोई इस तरह की एफर्ट का मेरी कोशिश का इन्होंने जवाब पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है अपने बलबूते पर आपका चैनल है, आपने किसी की हेल्प नहीं ली, सबसे बड़ी बात यह कि आपने अपना कंटेंट खुद बनाया, आपने अपने थंबनेल खुद बनाया, आपने अपनी वीडियो का टॉपिक खुद सेलेक्ट किया, आपने किसी की हेल्प नहीं ली, ये आपकी अपनी मेहनत है, आपकी अपनी मेहनत है। तो अगर आप सिंध भी गए भाई, ये है पाकिस्तान के यूट्यूबर कैसे आपस में लड़ रहे हैं भाई, किसके लिए? सिर्फ पैसों के लिए आपस में खिंचाई हो रही है पाकिस्तानी यूट्यूबर की। भाई ये पूरा सिनेरियो आपने सुन लिया भाई, वीडियो है सोएब चौधरी द रियल एंटरटेनमेंट टीवी के बारे में। भाई रियल एंटरटेनमेंट टीवी के जो मालिक है, एक ओनर है सोहेब चौधरी भाई, उनकी बराबर में ये बातें कर रहे हैं तीनों। इनका नाम निमरा है, ये मुजफ्फर चौधरी जी और ये आनंद शेख, आप तीनों को बड़े अच्छे से जानते होंगे, सोहेब चौधरी को भी जानते होंगे। तो भाई एक्चुअल में हुआ क्या है, हो क्या रहा है, वो एक बंदा इंडिया एक अपने पाकिस्तान का एक बंदा पकड़ा भाई उसने, वो आप भी दली उसका नाम है, आपको पता होगा, देखा होगा सलाम जद की वीडियो में आया होगा भाई, और इंडिया के टेलीविजन पर उसको चलाया गया कि पाकिस्तान में मोदी का फैन, कि तुम्हारे इंडियन भाई टीवी वाले भाई टीआरपी के लिए करते हैं। दूसरा भाई पाकिस्तान के लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया
कि पाकिस्तान के लोगों ने देखा भाई जो इंडिया की आवाम है ना बड़ी भोली भाली है, वो उनसे कुछ कोई प्यार से बात करता ना तो भैग जाती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तो भाई साहब वो जो है एक बंदे को लेके आते हैं पैसे दे करके, एप से बता रहे हैं कि पैसे दिए उसको, पैसे दिए उसको, प्रॉफिट बताया भाई तुम्हें पैसे दूंगा वीडियो बनाने के लिए और तुम किसी और के साथ वीडियो मत बनाना। तो बंदा जो है मोदी जी की तारीफें करता है और भाई साहब वीडियो पर बहुत सारे व्यूज आते हैं, क्योंकि आवाम भाई पब्लिक हमारी इंडिया की जो जनता बहुत भोली भाली है, उनसे कुछ तारीफ कर देना तो पिंग जाते हैं भाई ऐसे करके। तो उन्होंने इसकी जो इंडियन की जो मासूमियत उसका फायदा उठाया है। अब पाकिस्तान के यूट्यूबर भाई खुद आपस में लड़ रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि भाई मेरी थाली के चट्टे बट्टे हैं और हम जो है मेरा एक दोस्त आगे निकल चुका है और भाई ये पीछे रह चुके हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, या फिर वो गलत तरीके से आगे पहुंचा है। तो भाई मेरे तो सभी के लिए रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है भाई, सबके लिए रिस्पेक्ट है भाई, अब तो क्या करेंगे भाई। लेकिन आप लोग देख सकते हो भाई पैसे के लिए पाकिस्तानी भाई यूट्यूबर क्या क्या कर रहे हैं भाई, और क्या ये मतलब इनका एक्सपोज करना अच्छा है या फिर पैसे के लिए क्या टॉपिक दोस्तों क्या कहोगे भाई इसके बारे में, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि हम अगली वीडियो लेकर आए तो उसमें कुछ अच्छा कंटेंट आपके लेकर के आएंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, बाय बाय, जय।